नमस्कार, जय हिंद, जय मां भारती। मैं हूं राजकुमार शर्मा और आपका हमारे YouTube चैनल SMC चार्य में आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। इस वक्त आपको सीकर जिले के मिरण गांव का दृश्य दिखा रहे हैं, जहां पर नवयुग मंडल के सौजन्य से श्री जुंजार जी महाराज कबड्डी प्रतियोगिता 2020 का उद्घाटन समारोह है, वो यहाँ पर शुरू किया जा रहा है। यहाँ पर विजेता टीम जो भी रहेगी उसको फर्स्ट प्राइज के रूप में 11,000 रुपये की नगद राशि है और रनर अप टीम जो भी रहेगी उसको 5100 रुपये नगद दिए जाएंगे। और सबसे बड़ी खासियत इस टूर्नामेंट की, जितनी भी यहाँ पर प्रतियोगिताएँ होगी उसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पर जो भी टीम पहुँचेगी वो एकल ग्रामीण है, क्योंकि यहाँ पर एक ही गाँव की टीम को एंट्री है। और दूसरी सबसे बड़ी खासियत ये कि यहाँ पर जो भी टीम पहुँचेगी वो शुद्ध राजस्थान की होनी चाहिए। आइए इस उद्घाटन मुकाबले का अवलोकन करते हैं। उद्घाटन मुकाबला जो होना है वो सेवा दे और उनके सामने जो है वो मिरण भी होम टीम है। आइए उद्घाटन मुकाबले का अवलोकन करते हैं। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन जन मंगलदायक जय हे पालक भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत। एक बार मेरे पीछे सारे बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जब तक सूरज चांद रहेगा भारत का इस दुनिया में नाम रहेगा। और मैं हमारे जितने भी मेहमान हैं, सरपंच साहब हैं, उनके अलावा जितने गणमान्य लोग हैं, उन सभी से निवेदन है कि आगे बढ़े और इस कार्यक्रम का फीता काटकर श्री जुंजार जी महाराज कबड्डी प्रतियोगिता 2020 का अपने शुभारंभ करें। इस समय जुंजार जी महाराज कबड्डी प्रतियोगिता 2020 का उद्घाटन किया जा रहा है हमारे गणमान्य नागरिकों के द्वारा और आप सभी से निवेदन है जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए, जबरदस्त तालियां यहां पर देखने को मिल रही है। और इस वक्त जितने भी गणमान्य नागरिक हैं दोनों टीमें लाइनअप हो जाए थोड़ी सी डिस्टेंस करके अपनी शुभकामनाएं, क्योंकि उद्घाटन मुकाबला और फाइनल मुकाबला किसी भी टीम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि वो कैसा खेलती है, बहुत कुछ उन पर डिपेंड करता है, बहुत कुछ उन पर निर्भर करता है। और जो मिरण बी की टीम है उनसे परिचय प्राप्त किया गया है। और अबे दूसरी तरफ की टीम उनसे और हम आप सभी को उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और जुंजार जी महाराज कबड्डी प्रतियोगिता 2020 में यही कामना करते हैं कि आप बहुत बेहतरीन खेले और निश्चित रूप से एक अच्छा मुकाबला आप लोगों के बीच में देखने को मिले। परिचय प्राप्त किया जा रहा है सेवक की टीम उनका गाँव मिरण, जहाँ पर विशाल कबड्डी प्रतियोगिता एकल ग्रामीण कबड्डी प्रतियोगिता है, उनका आगाज किया जा रहा है। इस वक्त हमारी आन बान शान का प्रतीक जो राष्ट्र गान है वो भजन के बाद मिरण की धन्य धरा पर मिरण बी होम टीम है और उनके सामने सेवत की टीम है। इस वक्त टॉस किया जा रहा है। मैं सरपंच साहब से आग्रह करूंगा कि सर ये सिक्का उछाले, हेड और टेल की मांग है, सबसे पहले डिसाइड कर ले कि किसको कॉल करना है। बिल्कुल इस समय सिक्के की डिमांड की जा रही है, कॉल किसकी होगी? कॉल है वो मिरण बी की होगी। टॉस उछाला जाए, उछालो आप इसको, सिक्का उछाला गया, हेड की मांग की गई है। टॉस विजेता है वो इस वक्त टेल है, डिसीजन क्या रहेगा? सेवत छोटी का टॉस विजेता है, फैसला बताएं आप, रेड लोग या ग्राउंड? रेड किस तरह की टीम है आपके पास? शानदार टीम है, बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े। क्या रणनीति रहेगी टॉस हारने के बाद? ठीक है, बहुत बहुत अच्छा। मैं छोटा सा कमेंट पॉइंट सरपंच साहब से भी लेना चाहूंगा, आपके गांव में आयोजन है जुंजार जी महाराज कबड्डी प्रतियोगिता 2020, किस तरह का आयोजन है, कैसा लगता है यहाँ पर? बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब, आपने हमें संबोधित किया। इन्होंने कहा है कि ये जुंजार जी महाराज कबड्डी प्रतियोगिता 2020 है और कहते हैं जुंजार उस व्यक्ति ऐसा ही होना चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। इन्होंने कहा है कि खेल खेल की भावना से खेलना चाहिए और बहुत अच्छी आयोजन समिति है, निश्चित रूप से एकल ग्रामीण है। आप सभी से निवेदन है कि जितना बड़ा कार्यक्रम है आप सभी से निवेदन है ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर पार्टिसिपेट करें, हिस्सा लें। धन्यवाद। उद्घाटन मुकाबले की पहली रेड छोटी की तरफ से खेल कबड्डी 2020 मेरठ की धन्य तरह से बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। पहली रेड इस समय मेरठ बी के पाले में जो कि पूरी तरह से पूरे किट में तैयार है। मेरठ बी की टीम इस समय पूरा लुप्त लेते हुए पूरा आनंद लेते हुए 30 सेकंड का समय होता है रेडर के पास, उसमें उसे सब कुछ करना होता है, देखना वो क्या करते हैं। 30 सेकंड का समय होता है, हाफ टाइम से पहले का समय खेल शुरू हुआ है। एक तरफ पे हमारे कुलदीप सिंह जबकि दूसरी तरफ पे सत्यजीत खिचड़ है और इस वक्त मेरठ की तरफ से होम ग्राउंड है तो निश्चित रूप से श्रेष्ठी उनको एडवांटेज निश्चित रूप से मिलना है, ये एकदम कंफर्म है, पूरी तरह से तैयार है। राजकुमार जी मैं कहूंगा होम ग्राउंड का हमेशा जो एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट मिलता रहा है वो मिलता रहेगा, क्योंकि दर्शकों का जो पूरा का पूरा फेवर रहता है वो होम ग्राउंड की टीम के जो मेजबान टीम है उन्हीं रेड के साथ वापिस सुरक्षित, कोई नुकसान नहीं, कोई इजाफा नहीं, वापिस आए सुरक्षित। इस बार सेवत गए जो रेडर है वो क्रॉस करने के बाद अपने कदमों को इधर उधर अपनी पूरी बॉडी को एकदम वार्म अप करते हुए दूसरी ओर मैं बात करूंगा जो डिफेंस टीम है, दूसरी ओर जो डिफेंस टीम है मीरन की टीम वो भी काफी मुस्तैद है, काफी अच्छे कैचर यहाँ है और एक अच्छी रेड और रेफरी के डिसीजन का निश्चित रूप से इंतजार रहेगा। एक पहला पॉइंट आगाज हुआ सेवत का और अभी आगाज करना बाकी है मीरन की बी टीम का। राजकुमार जी जिस हिसाब से ये उद्घाटन हुआ, जिस हिसाब से ये खेल शुरू हो रहा है और मैं कहूंगा कि जितने भी युवा है ऐसे युवाओं को अगर मौका मिलता रहे तो निश्चित रूप से उनके शारीरिक डेवलपमेंट के साथ साथ उनका मानसिक भी डेवलपमेंट होता है। एक अच्छी कैचिंग है सेवत के खिलाड़ियों, सेवत की टीम हमारे लिए मेहमान 2 पॉइंट के साथ आगे होती हुई, सेवत की टीम 2 पॉइंट के साथ एक बार फिर सेवत का रेडर अपने कॉर्नर में खेलता हुआ और एक अच्छी कैचिंग, तालियों की गड़गड़ आपके साथ इस मिरन के आगाज का स्वागत किया जाए, यहाँ सीटियां बज रही है, तालियां बज रही है और यही एक अच्छे मैच की निशानी है। शुरुआत एक अच्छी है, दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पे है, फिलहाल जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है वो सेवत की टीम पे और एक या पॉइंट दिया आया, नुकसान हुआ आया और 3-3-2 से सेवत आगे। लेकिन अब मैं बात करूंगा 6 खिलाड़ी ग्राउंड में खड़े हैं सेवत की तरफ से, थोड़ी देर पहले मिरन को एडवांस था क्योंकि उनके पास 7 खिलाड़ी खड़े थे लेकिन जैसे ही सेवत के रेडर ने एक पॉइंट लिया 6-6 की बराबरी में हो गई और यहाँ पिंटू कबड्डी फेमस नाम से यहाँ जाने जाते हैं मिरन में और एक अच्छी कैचिंग जैसे ही पिंटू ने अपना परीक्षा बहुत अच्छा आपने विश्लेषण किया है पूरे मिरन का और ये जुंजार जी महाराज कबड्डी प्रतियोगिता 2020 का उद्घाटन मुकाबला चल रहा है मिरन बी के सामने सेवत की टीम है। जबरदस्त मुकाबला होगा, जिस तरह की दोनों टीम की बॉडी लैंग्वेज यहां से दिखाई दे रही है। अच्छा प्रयास, अच्छी कोशिश, अपना समय लिया और चल दिया वापस। 30 सेकंड का वक्त होता है रेडर के पास, वो पूरा उन्होंने लिया है निश्चित रूप से। आप तमाम लोग बहुत जबरदस्त तरीके से होता लगाए हैं, फुल प्लस टच पॉइंट है संख्या इस समय पॉइंट की 4 जबकि दूसरी तरफ मिरन की पॉइंट की संख्या है 3, केवल 1 पॉइंट से पीछे चल रही है। लेकिन ये हाफ टाइम से पहले का खेल चल रहा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि काफी तादाद में यहाँ पर दर्शक है और हमारे आसपास नन्हे मुन्ने दर्शक बैठे वो कह रहे हैं कि स्कोर बराबर हो गए हैं, बिल्कुल बराबर हो गए हैं। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर कबड्डी का लुप्त लेने के लिए पहुंचे हैं। मेरठ की टीम का भी कुछ दिन पहले एकल ग्रामीण में 1 पॉइंट और मिलता हुआ, बॉल्स भी है साथ में, पता सिंगल पॉइंट है, बिल्कुल 1 पॉइंट से इस वक्त आगे आ चुकी है टीम, रोकने का प्रयास बहुत बेहतरीन डिफेंस हुआ है। लगातार यहां पर मिरन बी की टीम रंग में आती हुई पूरी तरह से, अच्छी कोशिश, अच्छा प्रयास इस समय चलता हुआ, देखने वाली बात ही होगी। झुंझार जी महाराज कबड्डी प्रतियोगिता 2020 मिरन की पावन धारा से आप तमाम लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। क्या करती है सेवन की टीम, देखने वाली बात ही होगी। अच्छा प्रयास, अच्छी कोशिश है, 30 सेकंड का समय होता है रेडर के पास, उसमें उसे सब कुछ करना होता है। मिरन की टीम ने फिर दखल दिया है, 1 पॉइंट और खेल कबड्डी और पेनल्टी लगी है, ऑल आउट लगा इस समय, 3 पॉइंट मिरन को और मिलेंगे और मिरन की पॉइंट की संख्या इस वक्त हो जाएगी 11 जबकि 4 पॉइंट है उसके जवाब में सेवत छोटी है। 7 पॉइंट का डिफरेंस आ चुका है, 7 पॉइंट का हाफ टाइम से पहले फासला डाल चुके हैं। मिरन के जितने भी खिलाड़ी बहुत अच्छी ड्रेस कोड में नजर आ रहे थे और रात्रिकालीन कबड्डी प्रतियोगिता चल रही है,
ये पूरा स्टेडियम है वो दुर्गा मंडल और जितने ग्रामवासी हैं, मैं मेरठ के बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में इतना बड़ा आयोजन करवाने में सफल हुए हैं। मैं यहाँ के जो सारे सरपंच साहब हैं उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य समय यहाँ पर ये बड़े घातक साबित बर्बाद करने पर तुले हैं पूरी तरीके से। रोकने का प्रयास जरूर चल रहा है, बोन्स का प्रयास हुआ है, बोन्स का अटेम्प्ट हुआ है, बिल्कुल बोन्स का नियम बिल्कुल स्पष्ट है, एक पैर पीछे वाले लाइन पर और दूसरा पैर उसी दरमियान हवा में। आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ इस उद्घाटन मुकाबले में। हालांकि उद्घाटन मुकाबला जो उम्मीद थी उसके ठीक विपरीत चल रहा है और रोकने का प्रयास होता लगा, लेकिन अब की बार मेरे सेवत की टीम भी सफल हुई है, रेडर आउट है, सेवत के खाते में काउंट होता हुआ सेवत की पॉइंट की संख्या छह हुई है। हमारे बहुत अच्छे स्कोरर इस समय एक तरफ है, एक तरफ भाव है, बिल्कुल उनका टीम टाइम में नाम भी था शायद भाव के नाम से मशहूर है, बिल्कुल बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। और दूसरी तरफ उनका साथ दे रहे हैं चतर सिंह, और चतर जैसे खिलाड़ी को भी वहां पर खड़ा करना चाहिए क्योंकि ये काम बड़ा चतुराई भरा होता है स्कोरिंग का, एक एक पॉइंट के लिए संघर्ष होता है, एक एक पॉइंट के लिए जद्दोजहद चलती है अगर बराबर का मुकाबला होता है तो। अच्छी कोशिश अच्छा प्रयास, 30 सेकंड का समय होता वो पूरा लिया और चल दिया वापस। और अब सेवत की तरफ से मिरन के पाले में देख रहे हैं क्या करती है मिरन की टीम, 25 पकड़ बना रखी है, 12 के मुकाबले 6 पॉइंट है, यानी 6 पॉइंट से हाफ टाइम से पहले इस वक्त मिरन की जो टीम है वो आगे चल रही है। हालांकि बेंच किक लगाने का प्रयास जरूर किया था लेकिन सफल नहीं है, कबड्डी में सब कुछ पॉसिबल है पारिक साहब, जितनी टेक्निकल जितने तरीके होते हैं सारे इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और आजकल की कबड्डी वो कबड्डी नहीं रही जो पूर्व हमारे बुजुर्ग खेला करते थे, उस समय न तो कोई टाइम होता था न कोई क्रॉस लाइन होती थी, जब तक कबड्डी कबड्डी होती थी तब तक चलता रहता था, और कई गाँव में पूछते भी है कि आखिरकार ये बदलाव क्यों हुआ है, और ये बदलाव एक जो कबड्डी है उसमें नया मसाला डालने के लिए लोगों के बीच एक रोमांचकता एक रोचकता पैदा करने के लिए सारे तरीके अपने इस्तेमाल किए जा रहे हैं। क्या कहना चाहोगे? मैं निश्चित रूप से राजकुमार जी कहना चाहूंगा कोई भी स्पोर्ट्स हो जब डू एंड डाई राइड है, अब या तो आपको या तो पॉइंट लेकर जाना होगा या अपने आपको या सरेंडर करना होगा, डू एंड राइड है। जैसे कि अभी राजकुमार जी बात कर रहे थे कि रोचकता लाने के लिए कुछ नियमों में बदलाव हो, और ये डू एंड डाई राइड भी उसी का एक हिस्सा है कि आपको या तो आपको पॉइंट लाना होगा और अगर आप ये भी डू एंड डाई राइड है, और मीरन के पास भी वही स्थिति जो सेवत के पास डू एंड डाई राइड है। जैसे कि आप अभी बात कर रहे थे कि जब भी किसी स्पोर्ट्स में रोचकता लानी होगी आपको नियमों में इस प्रकार के रोचक बदलाव करने होंगे जिससे दर्शकों का जो एक जुड़ाव है लगाव बना रहे और खेल में भी एक अच्छा बदलाव हो। एक अच्छी कोशिश हुआ रेडर द्वारा, लेकिन वहाँ जो डिफेंस थी सेवत की काफी मजबूत थी, रोक लिया इस खिलाड़ी को। स्कोर की मैं अगर बात करता हूँ तो मीरन का स्कोर है 13 अंक और वही दूसरी ओर 7 अंक जो स्कोर है वो है सेवत का, लगभग डबल का फर्क है, 6 अंक आगे है मिरन की टीम। और क्या इसी जो फैसला है उसको रोक पाएगी? और एक अच्छा डिफेंस, एक अच्छी पकड़ हुआ मिरन के या कैचेस द्वारा, स्कोर बढ़ता हुआ 14 पॉइंट हो चुका है मिरन का, 7 अंकों की बढ़त मिरन के रेडर। वहां अगर मैं बात करूं तो उस दूसरे साइड के जो राइट कॉर्नर है उस कॉर्नर में अपने दमखम के साथ पूरी बॉडी की फुर्ती दिखाते हुए उछल कदम करते हुए, और दूसरे अगर मैं बात करूं तो मेंढक कबड्डी खेलते हुए यहाँ खिलाड़ी मिरन के रेडर, और वहीं दूसरी ओर सेवत के जो कैचर है काफी मुस्तैदी दिखा रहे थे क्या कौन जीत पाता है, और एक अच्छी रेडिया दर्शकों में उत्साह आता हुआ इस रेड के साथ, काफी शानदार रेड। अभी टाइम की लास्ट रेड है, यहाँ हमारे जो टाइम्स मैन ने ये बताया कि हाफ टाइम की लास्ट रेड है, रेफरी ये ध्यान रखे लास्ट रेड ऑफ द हाफ टाइम। 16 पॉइंट स्कोर है मिरन बीट का, वहीं दूसरी ओर सेवत का स्कोर है वो 7। एक मनोवैज्ञानिक दबाव जरूर यहाँ सेवत के ओर, क्योंकि लगभग 9 पॉइंट आगे चल रही है मिरन बी की टीम, और यही एक मेजबान का जो अभी राजकुमार जी बात कर रहे थे एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट मिलता है मेजबान होने का, क्योंकि दर्शक उनके पक्ष में, ग्राउंड उनके पक्ष में, सारी जो माहौल है वो उनके पक्ष में, और वही दबाव रहता है दूसरी ओर जो मेहमान टीम होती है उसके ऊपर दबाव, क्योंकि दर्शकों का पूरी हुटिंग है और दर्शकों की पूरी हुटिंग खिलाफ हाफ टाइम हो गया। हाफ टाइम में मिरन की टीम यहाँ पर जो मिरन में प्रतियोगिता शुरू हुई है उसमें हाफ टाइम तक का खेल हुआ है, और हाफ टाइम तक के में मिरन बी है उसकी पॉइंट्स की संख्या 16 है, जबकि सेवत छोटी है उसकी पॉइंट्स की संख्या 7 है। निश्चित रूप से
बहुत जबरदस्त अब तक मेरठ बी की टीम है वो लगातार खेली है। हमारे साथ काफी सारे जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनका हम बहुत बहुत अभिवादन करते हैं। मैं मेरे साथी कमेंटेटर जो है फारिक साहब है, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। क्या लगता है फारिक साहब, हाफ टाइम तक का खेल हो चुका है, 16 पॉइंट मेरठ बी के है, उसके जवाब में सेवत भी है, उसके 7 पॉइंट है, कैसा लगता है आपको? राजकुमार जी, जहाँ तक मेरा अनुभव है, इस समय जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है वो सेवत की टीम पे है, क्योंकि मिरन की टीम 9 पॉइंट आगे चल रही है और जो मेजबान होने का उनको एक फायदा मिल रहा है वो मिल रहा है। दर्शकों की पूरी वोटिंग उनके पक्ष में है, जो ग्राउंड में इस ग्राउंड में लगातार ये खिलाड़ी खेल रहे हैं, तो एक ग्राउंड के साथ जो एक फेमिलियरिटी होती है वो एक उनके साथ बनी हुई है, वैसा वो देखने को मिल रही है। काफी दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अभी तक मेरा जो अनुभव कह रहे हैं निश्चित रूप से मिरन इस मैच में हावी बनाए रखे हैं। और जैसा कि हालांकि मैं इस गाँव से संबंधित करता हूँ तो मेरा जुड़ाव भी निश्चित रूप से इसी टीम के होगा, लेकिन एक खेल प्रेमी होने के नाते मैं ये जरूर कहूंगा कि ये अच्छा मुकाबला हो और एक मिरन गांव का सदस्य होने के नाते और हाफ टाइम के बाद का खेल शुरू हो रहा है, जुड़ाव किसी के साथ हो बारिक साहब है, लेकिन कबड्डी में कोई किसी का खाका नहीं लगता, हिसाब बिल्कुल बराबर का होता है, जो अच्छा खेलता है जीत उसी के होते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ यह हाड़ तोड़ खेल है, जो हाड़ तोड़ा सबसे ज्यादा करेगा जीत उसी की होगी, चाहे वो मिरन हो या सेवत हो। और सरेआम लोग कहते हैं रोकने का प्रयास, जबरदस्त डिफेंस है, 1 पॉइंट और मेरठ बी के खाते में निश्चित रूप से मेरठ की टीम ने। जी साहब, राजकुमार जी आपने एक टर्मिनोलॉजी का यूज किया हाड़ तोड़, मैं निश्चित रहूंगा ये हाड़ तोड़ खेल तो है लेकिन इसके साथ साथ टेक्निक और हुनर भी जरूरी है। खाली आप हाड़ तोड़ के साथ खेलोगे तो वो चीज नहीं कर पाओगे, लगातार आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, एक अच्छी टेक्निक होनी चाहिए, एक अच्छा हुनर और जज्बा होना चाहिए। यहाँ एक साइड लाइन मैन ने भी एक खिलाड़ी को बाहर बैठाया है और यहाँ सतन सिंह अच्छे मुस्तैद और रेफरी डिसीजन का इंतजार। रेडर अपने पाले में सुरक्षित पहुंचता हुआ 2 पॉइंट लेकर आए और वहीं दूसरी ओर जो सेवत का स्कोर है वो 9 पॉइंट है, पूरा 50-50 का पूरा गैप है। 9 इंग्लिश में मैं बोलूंगा तो 9 2 18 होता है और उसी अंदाज में 9 2 18 हो गया और 1 पॉइंट की यहाँ फिर रेफरी के डिसीजन का इंतजार। 10 पॉइंट सेवत का स्कोर, 18 पॉइंट मिरन का स्कोर, 8 पॉइंट आ गए हैं और 1 पॉइंट और लेकर आए हैं रेडर। जो अभी तक था जैसे क्रिकेट में रंग बदलता रहता है उसी अंदाज में कबड्डी में भी रंग बदलता रहता है और हालांकि जो टाइम है वो टाइम बहुत कम है, उस टाइम के हिसाब से मैं कहूंगा राजकुमार जी निश्चित रूप से मिरन इस मैच में पकड़ बनाए हुए, लेकिन अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता और एक अच्छी कैचिंग, हालांकि रेडर की कोशिश अच्छी थी लेकिन छका नहीं पाए, वहाँ क्या देखने को मिलेगा आपको? बिल्कुल परीक्षा में जो हाफ टाइम मिला था उसमें सेवत ने भी रणनीति बनाई कि हम इतना सस्ते में और अगर एक बार जो मिरन थी उसको पेनल्टी लग जाती है तो कमबैक करना बहुत मुश्किल, टैकल हुआ है, निश्चित रूप से 2 पॉइंट मिलेंगे मिरन को, सुपर टैकल 1-12 और पारिक साहब ये 12 का आंकड़ा बड़ा खतरनाक होता है हिंदू सनातन संस्कृति में। तैयार है मिरन बी की तरफ से सेवत के पाले में रेड, 10-2 का इमेज कर दिया है, फुल आउट कर दिया, कोई पॉइंट सेवत के खाते में जाता हुआ, हालांकि विचार चल रहा है अभी कन्फर्म नहीं हुआ है, रेडर आउट से पूरी तरह से। खेल कबड्डी 2020 2 का डिफेंस फिर से सुपर टेकल है पूरी तरीके से, पिछली बार एडवांस स्टेज लिया था, देखना आपकी बार ले पाते या नहीं, बहुत अच्छी कोशिश चल रही है, बहुत अच्छा प्रयास चल रहा है, समय लेते हुए पूरी तरीके से तैयार होते हुए संगी उनकी टीम ऑल आउट के कगार पर पहुंच चुकी है, केवल 2 खिलाड़ी बचे उनके, उसका प्रयास जरूर किया गया है लेकिन बॉल पर आप श्योर नहीं हो सकते कि ओ बिल्कुल फंस चुके हैं जाल में, 1 पॉइंट और मिलता हुआ, आखिरी खिलाड़ी बचा है मिरन का, देख रहे हैं कितनी देर तक चमकता है, दबाव में आती हुई और इस वक्त मिरन बी को पेनल्टी लगी है। निश्चित रूप से पारिक साहब सेवत की टीम ने कमाल कर दिया है, निश्चित रूप से सोई हुई जो टीम थी सेवत की वो जाग चुकी है पूरी तरह से, रंग में आ चुकी है, केवल 3 पॉइंट का फासला रहा है, 3 पॉइंट का डिफरेंस रहा है और उसको पाटने का पूरा प्रयास होगा। उद्घाटन मुकाबला हालांकि एक समय था पूरी तरह से एक तरफा बना हुआ था मैच, लेकिन उसके बाद निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रयास किया है, समय लिया और कर दिया वापस, लगातार प्रयास है, लगातार कोशिश है। यहां पर विजेता टीम को 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार है और रनरअप जो भी टीम रहेगी उसको 5,100 रुपए और साथ में ये 22/22 शुद्ध सोने की चमक का कलर, सोने जैसा जरूर है लेकिन ये सोना है या नहीं है जीतने वाली टीम को पता चलेगा, बहुत दूर का कार्य है। राजकुमार जी इसकी कीमत मैं सोने से भी ज्यादा मानूंगा क्योंकि कितनी टीमों को पछाड़ने के बाद आप ये फाइनल जीत पाते हो और ये मैच एक बार फिर सेवत एक शानदार खेल दिखाते को मिल रही है, 20-18 का स्कोर, 20-18 से आगे चल रहा है मिरन, हालांकि 2 पॉइंट का फासला है और अब जो
एक दबाव बनाया हुआ है, एक अच्छी डिफेंस किया, अच्छी डिफेंस। हालांकि पीछे जिन्होंने कोशिश की थी उनके टांग को पीछे खींचने की वो असफल हुए, लेकिन सामने से जो कैचर आए उन्होंने अच्छी। हाँ, पिंटू फेमस है खेल, कबड्डी फेमस है इनका। अभी जो एक सोशल मीडिया पे वीडियो वो भी काफी फेमस चल रहा है, लेकिन अभी यहाँ कुछ नहीं कर पा रहे हैं और वो खाना होगा उनको। दो अंकों का अंतर है, क्या वो दो अंक मिरन को जीत दिला पाएंगे या वो दो अंकों का जो डिफरेंस है वो सेवन की टीम पूरा कर पाएगी, फैसला जरूर भविष्य के घर में है। लेकिन मैं कहूंगा दर्शकों के पैसे वसूल होते हुए एक शानदार कबड्डी देखने को मिलती है, अच्छा मनोरंजन होता हुआ, ट्रू एंड डाई सिचुएशन। दोनों ही टीमें अच्छी टीमें, दोनों ही टीमें युवा खिलाड़ी है। मैं कहूंगा 20 से ऊपर कोई खिलाड़ी नहीं दिख रहा मुझे अगर मैं इनकी बात करूंगा। और यहाँ जो रेडर था उनका पैर थोड़ा सा डगमगाया, केवल एक पॉइंट का फासला बचा है। पारिक साहब निश्चित रूप से रंग में आ चुका है पूरा सेवन, और उन्होंने कोई मौका नहीं देने वाली है, अब यहाँ से कुछ भी संभव है। समय सेवन के 21 पॉइंट उसके जवाब में मिरन के हैं, हालांकि पूरी तरीके से पकड़ बनाती हुई, स्कोर दोनों का बराबर हो चुका है। बाबा जी ने आज ही सर मंडवाए और सर पर होले पड़ गए, एक तरफ स्कोर बराबर है, दूसरी तरफ से टू और ढाई। क्या करते हैं सेवन की टीम, समय लगातार चल रहा है, रोकने की कोशिश जरूर की है, और पहली बार सेवत की टीम इस प्रतियोगिता में आगे आती हुई। एक पॉइंट से सेवत की टीम बहुत मजबूत पकड़ थी मिरर की, हाफ टाइम के बाद उस पूरी पकड़ को बैक में धकेल दिया है, पूरा प्रयास लेकिन मुक्ता लगाया है। 1, 2, 3, 4, 5 स्कोर इस वक्त 22-22 बराबर है। जिनकी दिल की धड़कने कमजोर है, कृपया मैदान छोड़ दे, हुआ कुछ भी संभव है। बहुत ज्यादा परीक्षा मौत का डर लगता है। मैं अभी आप 22-22 की बात कर रहे थे, स्कोर में भी वही चीज 22-22 देखने को मिला, लेकिन फिलहाल जो मनोवैज्ञानिक दबाव वो मिरन के ओर है। यहाँ हालांकि बोनस की जो अपील की जा रही है वो लास्ट अंतिम 3 मिनट बाकी, दोनों खिलाड़ियों को मैं बता देना चाहता हूँ अंतिम 3 मिनट बाकी, सेवन की टीम 1 पॉइंट की बढ़त बनाने है। और ये अच्छी डिफेंस मिरन की स्थिति से अच्छी बढ़त, अच्छी कबड्डी होती हुई यहाँ राजकुमार जी। बिल्कुल पारिक साहब, 24 पॉइंट मिरन के, समय लगातार बीत रहा है, लगभग 2.5 मिनट बची होगी, और ये सुपर टेकल बहुत काम का काम करेगा, पूरी तरह से टोनिंग का काम करेगा निश्चित रूप से। ऐसे समय में अगर किसी भी टीम का सुपर टेकल होता है तो किसी वरदान से कम नहीं होता है। फिर से दावा ठोक दिया है शायद, बिल्कुल स्कोर फिर 24-24 बराबर हो चुका है। क्या धांसू मुकाबला खेला है, मानना पड़ेगा सेवत और मिरन को, 2 मिनट का खेल बचा है, समय किसी से नहीं रुका था। रावण के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश पानी भरने आया करते थे, लेकिन समय उनके हाथ से भी निकल गया था, और दो पॉइंट समय मिरन को मिलते हुए। टाइम अंतिम पड़ाव पर चल रहा है, ये रेड सबको तब्दील कर देगी, क्योंकि 2 पॉइंट का फासला इस समय बहुत होता है। रोकने की कोशिश जरूर कर ली है, लेकिन रोक लिया है। मिरन की टीम मेजबान मुकाबले में लगभग आ गए, 1.5 मिनट का फासला इस समय बचा हुआ है केवल, बिल्कुल देखना है ये समय निकालने का प्रयास। राजकुमार जी मैं उत्साहित जरूर हूँ, क्योंकि ये 3 पॉइंट जो मिरन की टीम आ गया है, तो मैं आपसे माइक लेने की पूरी कोशिश करूंगा, और मैं ये कहूंगा कि अंतिम क्षणों में जो एक अभी जो सुपर टेकल था उसके बाद में एक अंतिम 1 मिनट है, इस 1 मिनट में क्या कर पाती है सरूप की टीम, वही कहाँ तक रोक पाती है। और ये मैं कहूंगा कि फेंक जहां तक भाला जाए वो भाला फेंकने का काम किया है, यहाँ 6 नंबर के खिलाड़ी ने पहले भी पूरी कोशिश की थी, और इस बार स्कोर में इजाफा होता हुआ 29 और दूसरी साइड में 24, और ये मतलब आता हुआ और उसका फायदा अब पूरी तरीके से पकड़ बना चुकी है राजकुमार जी यहाँ मिरन की टीम सेवत की टीम पे। बिल्कुल मौका मिलती है, लोग चाहे जिंदगी का क्षेत्र हो, राजनीति का या खेल का, मौका नहीं छोड़ते हैं। पेनल्टी लगी इस समय, आखिरी संभव था रेड होगी, और इसी के साथ उद्घाटन मुकाबले की जो विशेष लगभग फैसला इस उद्घाटन मुकाबले का होता हुआ यहाँ से नजर आ रहा है। और इस वक्त बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब, आप हमारे साथ जुड़े, और उद्घाटन का मुकाबला है वो इस वक्त मिरर बी की टीम ने जीता है, हम उनके बहुत बहुत उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। सेवा की टीम को उन्होंने लगभग रोचक मुकाबले में पूरी तरह से बाहर करने का रास्ता दिखाया है, अच्छा मैच निश्चित रूप से सेवत ने भी खेला है। राजकुमार जी जिस प्रकार के दर्शक उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने टिकटों का